तो उधर बानी पीटीआई का एक बार फिर हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात से इनकार। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई रऊफ हसन ने भी वाज़ेह कर दिया, बोले क्लियर अंदाज में बोला गया है कि मैंडेट चोर तीन जमातों से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान को लूटना और अय्याशी करना लंदन प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सब प्लान का हिस्सा है। बानी पीटीआई एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को AC की सहूलियात थी। खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है, ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। तो बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़े ब्लंट अल्फाज में ये कहा है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए कल की। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो पार्टियों ने मिल के, पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई या MQM हो गई, इन्होंने अपने लिए ये सब कुछ इंजीनियर किया। ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था। मेरे महबूब का उनका जेल का सेल है, वो तकरीबन आपका 7 फुट बाय 9 फुट कमरा। मियां नवाज शरीफ हो गए, मियां शहबाज शरीफ हो गए, ये बाकी जो आसिफ जरदारी जेल में रहा है, इनके पास तो एयर कंडीशनर्स की सहूलत मुहैया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।